व्हाट्सअप गाइस, एडवेंचर जर्नी के एक और न्यू गेम प्ले में तुम लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रूट 32 के सारे मेंबर ट्रेनर्स को हरा दिया था और लास्ट में इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर लूकर को हरा दिया था और हम लोग आ गए थे म्यून टाउन। गेम में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो सबसे पहला शाउट आउट जाता है आशीष राय को, सेकेंड शाउट आउट जाता है वैदेही को, इसने मेरे को गेम में बहुत हेल्प किया भाई, थैंक यू। और लास्ट शाउट आउट जाता है ऋषि को, भाई तुमने मेरे को बहुत हेल्प की, हर एक जिम के बारे में बताया कि कौन सा जिम है आगे आए और उसके पास कौन से पोकेमोन है। तो ऋषि भाई बिग शाउट आउट फॉर यू। तो गाइस अब हम गेम में बढ़ते और हमें इस अब रिपोर्टर को हराना है। ओके रिपोर्टर, आर यू हियर फॉर द बैटल फ्रंटियर एज वेल? बैटल फ्रंटियर कॉम्पिटिशन, यू डोंट नो अबाउट द कॉम्पिटिशन? नहीं गाइस, हमें कंपटीशन के बारे में तो नहीं पता। दिस इज द चार्म ऑफ बैटल फ्रंट, अट्रैक्टिंग अ नोन ट्रेनर टू जॉइन द कंपटीशन एंड एंजॉय द जॉय ऑफ विक्ट्री। इन फैक्ट वी आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन पोकेमोन ट्रेनर्स, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट द चार्म ऑफ पोकेमोन बैटल? तो गाइस मैं ये पोकेमोन बैटल फास्ट कर दूंगा, 3x की स्पीड में खेलूंगा। गाइस अब से मैं जो ये बैटल होंगी ये सब मैं फास्ट कर दिया करूँगा, सिर्फ जो मेन बैटल्स होंगी जैसे टीम लीडर से बैटल होंगी या फिर किसी सिल्वर या रेड जैसे ट्रेनर से या फिर किसी बड़े एडमिन से जैसे टीम रॉकेट के, वो सारी बैटल मैं नॉर्मल स्पीड में खेलूँगा। लेकिन जैसे बीच बीच में ट्रेनर्स आते हैं उनके साथ जो हमारी बैटल होंगे उनको मैं फास्ट कर दूंगा। तो गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेरा ये जो आइडिया है ये आपको कैसा लगा, या मेरे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके तो हमने रिपोर्टर को हरा दिया है। Such gorgeous battle skills. Thank you for cooperation. I will collect an amazing footage. Please take this Rayon mount. Thanks यार, रिपोर्टर ने कुछ अच्छा काम किया। गाइस हमें रिपोर्टर्स ने रायोन दिया है, अब हम लोग माउंट कर सकते हैं पोकेमोन के ऊपर। ओके तो मेरे पास, जैसा कि आपको पता है मेरे पास पालकियाँ पहले से ही है, तो हम लोग पालकी के ऊपर माउंट कर सकते हैं और रायोन भी इन्होंने दिया है तो हम लोग रायोन के ऊपर भी कर सकते हैं माउंट। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। गाइस जब हम लोग पोकेमोन के ऊपर माउंट करते हैं तो हमारी जो स्पीड है वॉकिंग स्पीड वो बढ़ जाती है। ओके अचीवमेंट, इसके आप देख सकते हैं मैं पालकिया और रायोन पे कर सकता हूँ। तो मैं गाइस ये 90 मिनट्स खेल रहा, तो हमें डेली रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन रिवॉर्ड। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। गाइस अब हम लोग लड़ने आ रहे हैं जिम में और ये हमारा तीसरा जिम है। अगर इससे पहले के दो जिम बैटल्स आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, उनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आई हैव ए डीप फ्रेंडशिप विद पोकेमोन। और ये जो जिम है एक नॉर्मल टाइप और फाइटिंग टाइप पोकेमोन की जिम है, ये भी मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया था। तो गाइस तुम लोग का थैंक यू। उसके पास दो पोकेमोन बचे, जैसे आप देख सकते हो मैंने बैटल फास्ट कर दिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बीच बीच की बैटल्स होंगे ऐसे ट्रेनर्स के साथ वो मैं फास्ट कर दूंगा। गाइस डोंट वरी, जो जिम लीडर के साथ मेरी बैटल होगी वो मैं फास्ट नहीं करूँगा। ओके तो हमने पहले ट्रेनर को हरा दिया है, अभी भी काफ़ी ट्रेनर है जिम लीडर तक पहुंचने के लिए, हमें इन सबको हराना पड़ेगा। अभी तीन ट्रेनर और बचे हैं जिम लीडर तक पहुंचने के लिए। फंकी, ओके तो इसके पास फंकी नाम का ट्रेनर, इसके पास चार पोकेमोन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मेरे को कुछ वीडियो में इम्प्रूव करना हो तो गाइस ये भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं उस बात का ध्यान रखूँगा। ओके तो मेरे पालकिया गाइस पालकिया फैंट हो गया, तो अब मैं पोकेमोन सेंटर जाऊँगा। सबसे पहले मैं पालकिया की HP फुल करूँगा क्योंकि जो मेरी पूरी टीम है उसमें सबसे मेन पोकेमोन मेरे पालकिया ही है और मेरे पालकिया ही है जो मेरे को जीता सकता है ये जिम। इस पालके जो एक लेजेंडरी पोकेमोन है तो सबसे पहले हम पालके के होते हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास।
तो अब हम लोग चलने वाले हैं पोकेमोन सेंटर और वहाँ पे हमारे पालकी के एचपी फुल कर लेते हैं, हील कर लेते हैं हमारे पालकी को। ओके, तो अब हम लोग पोकेमोन सेंटर जा रहे हैं। गाइस, अगर आप में से भी कोई ये पोकेमोन एडवेंचर खेल गेम खेलता है तो आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। मेरा सीजन 13 है विरिडियन सिटी, तो आप मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो और हम लोग फ्रेंडली बैटल कर सकते हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे को ऑलरेडी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए, उनमें से एक है वैधवी। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को गेम में बहुत हेल्प किया। ओके, तो अब चलते हैं। अब दो और ट्रेनर बचे हैं गाइस। अब ये पोकेमोन की लोकेशन है, अब सिर्फ दो और ट्रेनर बचे और फिर जिम लीडर है। ओके, तो ये बैटल जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके पास सिर्फ 3 ही पोकेमोन है और हमारा पालकिया अकेला इसके 3 पोकेमोन मार सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा पालकिया। गाइस, आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको सबसे सही पोकेमोन कौन सा लगता है, पालकिया, डियाल्गा या गिराटिना, इन तीनों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है। एंड गाइस, आप अगर ये गेम खेलते हो प्लीज मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, हम लोग साथ में खेलेंगे। A few moments later. ओके, तो इसके पास गाइस 5 पोकेमोन है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, बट हम जीत जाएंगे, डोंट वरी, हम लोग जिम जीत के रहेंगे। अब उसके पास 3 पोकेमोन है और हमारा पालकिया है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब उसके पास लास्ट पोकेमोन एंड हमारा पालकिया डाउन हो चुका है, अब सिर्फ हमारा एक मनफर्नो बचा है और एक और पोकेमोन बचा है, पालकिया। एंड यस गाइस, हम लोग लास्ट बैटल भी जीत गए, अब सिर्फ हमारा जिम लीडर बचा है। तो गाइस, मेरे को पोकेमोन सेंटर जाना पड़ेगा, तो मैं पोकेमोन सेंटर जाके आता हूँ। तो मैं पोकेमोन सेंटर जाके आ गया और हमारे सारे पोकेमोन हील हो चुके हैं। अब बारी है जिम लीडर को चैलेंज करने की और हमारा तीसरा बैच जीतने की। चेक नाम है जिम लीडर का, यू आर हियर, द रिजल्ट ऑफ 24 आवर्स स्पेशल ट्रेनिंग। क्या वापस बात करते, वेल वेल, यू एक्चुअली गॉट हियर, लेट मी टेल यू हाउ पावरफुल आई एम, माई पोकेमोन कैन क्रश रॉक सेटर बोन्स। ओके, तो ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अबाउट आर नॉट यू अफ्रेड? नहीं, हम डरे नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विथ पोकेमोन। ओके देन, लेट्स फाइट। तो गाइस, अब हमारा ये तीसरा जिम बैटल होने को जा रहा है। ओके, तो जिम लीडर का पहला पोकेमोन प्राइमेज है, तो मैं ड्रेनिंग केस यूज करने वाला हूँ। हिटमोन ली, ओके, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ ड्रेनिंग किंग से। उसकी 69 HP गई और उसका ओ सेट, उसका एक मूव और हमारा फ्रोस लेस गया। अब हमें संभाल के पालकी को निकालते हैं एंड आई विल यूज ड्रैगन ब्रीथ। ओके, तो अब उसके पास भी 5 पोकेमोन है और हमारे पास भी 5 पोकेमोन है। प्राइमेज ड्रैगन पल्स, सॉरी ड्रैगन पल्स है, मैंने ड्रैगन ब्रीथ बोला था स्टार्टिंग में, उसके लिए सॉरी गाइस, ड्रैगन पल्स है मूव कर रहा एंड अर्थ पावर। ओके, तो बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। उसके पास अब चंग के पास 4 पोकेमोन है और हमारे पास भी 5 पोकेमोन है अभी। तो माचोप तो गाइस एक ही मूव में चला गया, मुझे नहीं लगा था माचोप जो इतना वीक होगा। एंड लेट्स सी उसका 4th पोकेमोन हिटमोन चैन। हिटमोन चैन गाइस एक अच्छा पोकेमोन है क्योंकि ये आइस मूव, आइस पंच, फायर पंच, थंडर पंच, ये सारे मूव यूज कर सकता है, तो ये मेरे को काफ़ी सही लगता है हिटमोन चैन। फ्यूरी शॉट उसका मिस हो गया, ये हमारा लक है गाइस। मुझे लगा था अर्थ पावर से वो मर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच गया एंड फ्यूरी शॉट एक बार। ओके, तो 39 डैमेज किया उसने, फ्यूरी स्वाइप उसके 2 बार काम किया एंड अगेन मैंने अर्थ पावर यूज़ किया और वो गया। अब गाइस उसके पास 2 पोकेमोन है, अब उसका 5वां पोकेमोन एक्सपेक्ट करते कोई लो लेवल का हो, आई मीन यही। ओके, श्रू मिस, हमारा लक साथ दे रहा है, ड्रैगन पल्स
मुझे लगा नहीं था गाइस कि ये एक मूव में चला जाएगा रूमिस। नाउ इट्स टाइम फॉर उसका लास्ट पोकेमोन। ओके यहाँ पे गाइस हमें प्रॉब्लम होने वाली है पॉलीवैग व्रैथ, पॉलीव्रैथ नाम है उसका। ओके तो उसके 170 डायनामिक पंच, नाइस। आज पक्का भगवान हमारे साथ है। बस उसकी 16 HP रह गई। सर्फ हमारे ऊपर कोई इफेक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो पालकिया है वो भी एक वाटर टाइप पोकेमोन है, वाटर एंड ड्रैगन टाइप है। तो नाइस गाइस, हमने चक को हरा दिया और हमारा तीसरा जिम बैच जीत लिया है। बैटल करने में मज़ा आया। चक जो है एक नॉर्मल टाइप और फाइटिंग टाइप पोकेमोन थे इसके पास। इम्प्रेसिव, यू आर गुड इनफ टू हैव दिस स्टॉर्म बैच। हाँ हाँ, इट्स रियली सेटिस्फाइंग टू फाइट यू, बट नो एक्सक्यूज। फ्रॉम नाउ आई विल ट्रेन 24 hours a day। गाइस हमें स्टॉर्म बैच मिल गया। अब जिम से बाहर निकलते हैं और अपने पोकेमोन को हील करते हैं। गॉट यू ट्रेनर रोहित केपी, प्रोफेसर इल्म हैज अ मेजर डिस्कवरी, प्लीज रिटर्न टू द न्यू बार्क पोकेमोन लैब, सी यू देन। ओके तो गाइस पोकेमोन इल्म ने कुछ डिस्कवरी की तो हमें न्यू बार्क टाउन जाना है वापस। बट गाइस मैं इस एपिसोड के लिए इतना ही रखना चाहूँगा, अगर मैं थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एपिसोड। तो मैं इस एपिसोड के लिए इतना ही रखना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आप अगर ये गेम खेलते तो आप मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर साथ में लोग खेल सकते हैं और फ्रेंडली बैटल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।